मुअज्जज़ अदबी दोस्तों, आदाब व तस्लीमात। उर्दू अफसानों का मजमूआ सराबी मंजिलें 2 साल पहले छप चुका है और अब इसका अंग्रेज़ी तर्जमा मोहतरमा नौशी कैसर सहर कर चुकी हैं, जो कि अनकरीब आप सबके हाथों में होगा। इसी सराबी मंजिलें का एक अफसाना, जो कि एक तल्ख हकीकत लेकर टीवी फॉर यू में शामिल किया गया है और इसे आपके रूबरू रख रही हैं मोहतरमा नजमा सद्दीक। उम्मीद है आप सराहेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। हवा के दोष पे बिखरती ये आवाज़ नजमा सिद्दीक की है, जिसे टीवी फॉर यू चैनल के तवसुत से उर्दू अदब नदाए वक्त से सरमाया अदब शायर अफसाना निगार और कॉलम निगार चौधरी मोहम्मद बशीर शाद साहब के अफसाने नाम मगर गुमनाम के लफ्ज़ों को आवाज़ का रूप देने का शर्फ हासिल है। अफसाना नाम मगर गुमनाम। अफसाना निगार चौधरी मोहम्मद बशीर शाद। जिंदगी की तमाम तर्रानाइयाँ लखोदक सहराई मुल्क में उनके सख्त कवानीन की नज़र हो गईं। शब रोज़ अहल खाना की बूदोबाश में 10 बरस गुजर गए। जवानी के अयाम बड़े सब्र तहमुल से चारों नाचार काटने पड़े। हर साल छुट्टी पर अपने वतन की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू को साथ लिए फिर से दयारे गैर में जाना पड़ता, क्योंकि अभी तक घर वालों की ज़रूरियात ज़िंदगी मुंह खोले मजीद तलब बरकरार रखे हुए थी। इस सूरत हाल से नबर्द आजमा होते हुए फिर से अपनों से बिछड़ना पड़ता था। हर एक की मांग अलग अलग थी। कोई टेप रिकॉर्डर का पैगाम अपने ख़त में इस तरह करता जैसे उसके बगैर उसकी ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी। रुपहली सुनहरी कलाई घड़ियों का तस्करा तो आम हो रहा था। तस्वीर बनाने वाले आला कंपनियों के कैमरों की फरमाइशें शिद्दत अख्तियार कर चुकी थीं। एक अच्छा ब्रीफकेस साथ लेते आना, फ्लां बिन फ्लां की शादी हो रही है, उसे तोहफा देना है। 24 कैरेट का सोना वहां से ले आना, यहाँ खोट बहुत होती है। रेशमी कपड़े जो पिछले साल आप लेके आए थे, वो भाई ने अपनी बेटी की शादी के लिए ले लिए हैं और मजीद इसी कस्म के कपड़े वो तलब कर रहे हैं। खाला बाउसा वाली अपने खत में शिकवा कर रही थी कि बागबानपुरा वाली खाला तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, हम तो तुम्हारे कुछ भी नहीं लगते, कभी झूठे मुंह हमसे पूछा तक नहीं। मैं साल भर के तमाम आए खतूत की वरक गर्दानी तन्हाइयों में करता रहा और कसर नाकस हर एक की ख्वाहिश को पूरा करने की इंतहाई कोशिश में बाज़ औक़ात अपने नए लबादे और ज़रूरियात ज़िंदगी की उभरती ख्वाहिशात को बालाए ताक रख देता। अपनी आमदन और खर्च का तखमीना बहर सूरत परदेस में लगाना ही पड़ता है, वरना आमदनी से ज़्यादा खर्च करके वतन वापसी का टिकट कौन देगा। ख्वाहिशात भी बड़ी अजीब हैं, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है कि मस्ताक ये ख्वाहिशात बढ़ती ही चली जाती हैं, और एक बार इनकी आदत किसी को पड़ जाए तो समझ लो बहुत जल्द दोस्ती रिश्तेदारी सब दुश्मनी की भेंट चढ़ जाएगी। यही खौफ मुझ पे तारी रहता था। घर की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए हर वो नई शय जो भी मार्केट में आती, मैं उसे अपने घर तक लाता रहा, लेकिन जो ही अगले साल छुट्टी गुजारने घर जाता तो ज़्यादातर अशिया मेरे घर की बजाय बीवी के करीबी रिश्तेदारों उम्रा बल्कि पसंदीदा फिल्मी सितारों के घर की जीनत बनी देखी। मेरे पूछने पे जवाब यही मिलता कि आपके मियाँ तो और ले आएंगे। मैं जेरे लब मुस्कुराने की और कर भी क्या सकता था, और आज सारे दिन का थका हारा एक परदेसी फिर से आए खतूत की हर सतर का बखौर जायजा ले रहा था, जिसमें तलब का खत रसद से तजावुज करता दिखाई दिया। मैं अपने 10 साल का मुआहदा पूरा करके अपनी जवानी का ज़्यादातर हिस्सा परदेस की नज़र कर चुका था और वापसी के लिए पर तोल रहा था।
गुजरे सालों का एक एक लम्हा फिल्म के फीते की मानिंद अपनी दास्तान पर्दा स्क्रीन पर बखेरने लगा और मैं अपनी बेबसी पर कुड़ता जा रहा था। मुझमें जो फनकाराना सलाहियतें थीं वो खुश्क सहरा में मफकूज हो चुकी थीं। शायरी और नसरी तख्लीकात के लिए वक्त नहीं मिलता था, बल्कि यूं कहना मुनासिब होगा कि वक्त के अलावा माहौल भी साजगार नहीं था। इस बात के दिल से उठने वाली आहें तब के रह जाती और शब तन्हाई में सिवाय अहले खाना की ज़रूरियात की और कोई तख्लीक नो ना हो पाती। लिखने वाले के लिए ज़ाय शुदा 10 साल तस्वीर का कौन सा रुख पेश करते हैं ये तो वही जानता है। कई बार तख्लीक सर उभारती तो सारे दिन की थकान मेरे आसाब के हथौड़े बरसाती, मुझको कल के लिए ज़बरदस्ती सुला देती, सुबह बेदार होते ही मुझे काम पे जाने की फ़िक्र लाहक होती और मैं गुजरे रात के उभरे नए ख्यालात को दोहराने की कोशिश करने के बावजूद उसके नकोश तक रसाई हासिल करने में नाकाम रहता। चलो कोई बात नहीं, जो बीत गई वो माजी का हिस्सा बन चुकी है। अब हफ्ते अशरे में वतन जाकर अपने घर के पुरसकून माहौल में जी भर के लिखेंगे, अपने माहौल में शायरी करेंगे, नई नई खूबसूरत दास्तानें लिखेंगे। यही सोचते सोचते शब रोज़ एक नई तमन्ना में ढलते गए और वो वक्त भी आन पहुंचा कि वतन अजीज को जाने वाली परवाज की जानिब मेरे कदम बढ़ते गए। आखिरी बार परदेश की सोहबतों का जायजा लेते हुए खैरबाद कहा और हवाई जहाज फजा में मुअल्लक हो गया। इस बार मेरे पास वजन कानून के मुताबिक था, जिसमें कोई नई चीज़ नहीं खरीदी गई थी, फकत अपने इस्तेमाल की अशिया से सूटकेस भर गया था। वाफर मकदार में तमाम अशिया वहाँ के दोस्तों में तकसीम करके सुरखरू होकर वतन की सरजमीन के कदम रखते ही सुकून का सांस लिया। जेब में एक चेक था जो मेरी परदेश में 10 साल खिदमात का एवजाना था। ये रकम किसी कारोबार के लिए काफ़ी थी। हवाई अड्डे पर कतार अंदर कतार खतूत अरसाल करने वालों का तांता बंधा हुआ था और हर एक के चेहरे पे एक मुलम्मा साजी की चमक वाजे नजर आ रही थी। कस्टम वाले अलग परेशान थे कि एक सूटकेस में से कोई कस्टम वाली चीज़ बरामद ही नहीं हुई। उनके चेहरों को देखते हुए मुझे हंसी भी आई और इस दफ़ा परेशानी का सामना भी नहीं हुआ, लेकिन इस्तकबाल करने वालों का हुजूम पहले से कहीं ज़्यादा था। धीरे धीरे वो इस सोच में सरगर्दा भी हुए कि बाकी सूटकेस कहाँ किधर है। मैंने हर चेहरे का बगौर मुतालिया किया और उनके अंदर की ख्वाहिशात को परखा तो यूँ लगा कि मैं अपनों में नहीं बल्कि ख्वाहिशात से लबरेज ऐसे ग्रोह में आ गया हूँ जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा ना होते देखकर मेरी तिक्का बोटी कर देंगे। एक ने टैक्सी में ही पूछ लिया कि बेटा बाकी सामान किधर है। जी वो सामान ज़्यादा होने की वजह से बुक करवा दिया था। ये जुमला मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जिसका रद्द अमल बड़ा ही कारगर साबित हुआ। यहाँ तक कि घर तक टैक्सी ने सफ़र खुशियों को गहवारा बना रखा और टैक्सी का किराया भी उन्होंने अपने पल्ले से दिया। हम कहते ही रह गए कि ये आप क्या कर रही हैं खाला जान, लेकिन उन्होंने हमारी एक न मानी और टैक्सी वाले को 5 रुपये इनाम भी दिया। हमारी कल की दावत भी सफ़र में पक्की हो गई। घर में आकर खाला जान ने सबको बताया कि बहुत सा सामान बुक होकर आ रहा है, जिस पर हर एक चेहरा निखर कर बत्तीसी निकाले। इस खबर पर मुझको दाद देते हुए मेरे इस अमल को सराहते हुए दावतों की तरतीब में लग गए और मैं परदेश से देश में कदम रखते ही हविस के पुजारियों का शिकार हो गया। सब थोड़ी देर बैठे बातें करते रहे, लेकिन ज़्यादातर नई नई चीज़ों के तस्करे ही होते रहे। फलां का लड़का आया है, डबल डोर की फ्रिज लाया है, रंग भी बहुत प्यारा है, और उसने जो डैक की आवाज़ खोली तो पूरे मोहल्ले में धमक पहुंची। देख लेना इस बार वो छत पे पतंगे उड़ाते हुए फुल आवाज़ खोलेगा। इस डैक में 3 सिस्टम हैं, जिसमें कैटरेज का नया सिस्टम लगा हुआ है। बड़ा खूबसूरत डैक है, 3-in-1। अपनी अपनी बातें करते सुनते सुनाते जब सब जा चुके तो मैं गहरी सोचों में मुस्तगरक अपने झूठ की शर्मिंदगी में मरा जा रहा था कि बीवी इतने में सूटकेस खोलकर मेरी इस बार की वापसी पर पशेमानगी के आलम में मेरी जानिब एक टुक देखी जा रही थी। जो ही उस पर नज़र पड़ी तो मैं आँखों ही आँखों में पूछ बैठा, क्या बात है,
इस सूटकेस में तो आपके इस्तेमाल के कपड़े और अशिया हैं, क्या वाकई अभी और सामान आना बाकी है? मैंने कोई जवाब दिए बगैर उसे गौर से देखा तो वो अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। मैंने जेब से चेक निकाला, एक नज़र उस पर कुनिंदा रकम पर डाली और फिर उसे कोट की अंदरूनी जेब में वापस रख दिया। बच्चे सूटकेस में से निकले चॉकलेट से लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे थे, उनकी अपनी कायनात थी, लेकिन मुझे जिस शादमानी को दिल में बसाए घर की चौखट तक आना पड़ा उसमें रिश्तेदारों की फीकी फीकी सी मोहब्बत का भी सामना करना पड़ा। शाम ढलते ही चहलकदमी के लिए बीवी बच्चों के साथ एक पार्क में उनकी शरारतों से महफूज होता रहा, एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर घर की राह ली। बच्चों के सो जाने पर मैंने बीवी से पूछा कि बैंक में कितनी रकम जमा है, तो उसने बजाए मस्बत जवाब देने के फलां जगह इतने पैसे दिए और फलां जगह उन्होंने कर्ज मांगा तो उनकी मदद कर दी, मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपने घर के ऊपर वाली मंजिल में अपनी लाइब्रेरी के दरवाजे को खोलकर हर सू नज़र दौड़ाई तो हर शय उजड़ी सी मुझसे शिकवा कर रही थी। शेल्फ में लगी किताबों की तरतीब अबतर थी, मेरी तमाम पुरानी तख्लीकात नज़र नहीं आ रही थी। मैंने हर किताब को साफ करके बाकायदा उन सब को तरतीब से रखा, लेकिन अपनी तहरीर सब वहाँ मौजूद ना पाकर एक धचका सा लगा। वापस ड्राइंग रूम में आकर जायज़ा लिया तो सब गहरी नींद सो रहे थे। बावजूद बहुत से सोचों के अपने घर में तख़य्युल उभरा और मैंने अफसाना लिखना शुरू कर दिया। कलम को मौका मिलने की देर थी, अपनी मुद्दतों की प्यास बुझाने में इस कदर महफ हो जाना करीन अस्कयास नहीं था। कभी कभी लिखते लिखते अपनी पुरानी सब तहरीर की याद भी बहुत सता रही थी। एक दिन चाहा कि अभी बीवी को बेदार करके पूछ ही लूँ, जिसे ये तक नहीं खबर कि उसका खाविंद साल बाद घर आया है। उसने ये वक्त कैसे गुजारा तक का जिक्र नहीं किया, तमाम रकम अपने रिश्तेदारों को दे दी और अब मेरे आने का इंतज़ार। ये सब कुछ एक नई तहरीर का सिसकता हुआ परेशान कुन मौजू ही तो था। बड़ी मुश्किल से गज़ल की जानब सोच को रागिब किया, लेकिन वहाँ भी शिकवे शिकायतों ने सर उठा लिया। शबे कामिल बीत गई और सुबह काजिब ने अपने वजूद का इजहार कर दिया। मैं शब भर की तख्लीकात को ड्राइंग रूम में सेंट्रल मेज पर छोड़कर फिर से ऊपर वाली मंजिल में चला गया। लाइब्रेरी का कोना कोना छान मारा, लेकिन तहरीर ना मिल सकी। बोझल बोझल कदमों से वापस ड्राइंग रूम में आया तो वहाँ अपनी ताज़ा तरीन तहरीर ना पाकर चक्कर से आ गए। फौरी तौर पर बेडरूम में झांका तो बीवी सो रही थी, बच्चों के कमरों में भी सब आराम की नींद सो रहे थे। अजब तमाशा है, इस घर में क्या हो रहा है? मेरे रोंगटे खड़े होकर, क्या इस घर में जिन भूतों का बसेरा है या कोई छलावा ऐसी हरकत सकनात कर रहा है? सोचते सोचते दिमागी कुवतें मस्मार होने शुरू हो गई। हर सोच का रास्ता मसदूद हो रहा था। हमने सोचा था 10 सालों की कमी को पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ तो किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। जल्दी से हाथ जेब में रखे चेक पर गिरफ्त मजबूत कर गया, उसे बाहर निकाल के अदल बदल के अच्छी तरह देखा, उस पर लिखी रकम वही थी। हौसला हुआ, क्योंकि वाहिद ये चेक उसके मुस्तकबिल की ढारस थी। मौसम ने अजान दी तो मैंने नज़दीकी मस्जिद की राह ली, सबसे मुलाकात हुई। बाद नमाज इमाम साहब ने मस्जिद के लिए चंदे की अपील की। जी हाँ, चंद दिनों में इस बारे जितना कुछ हो सका इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। कि साथ ही मैं तेज़ से इस कदम उठाता घर वापस लौट आया, लेकिन घर का हर फर्द अपनी अपनी जगह अभी तक सो रहा था। ड्राइंग रूम में कुछ भी नहीं था और ना ही लाइब्रेरी में कुछ मिला। ये मेरी ही तहरीर आखिर गायब क्यों हो रही है और उनको गायब कौन कर रहा है? इस मामले का हल तलाश करते करते सूरज ने अपनी शुआएं हर सू फैला दी। मैं दोनों हाथों से सर को दबाए ड्राइंग रूम के सोफे पर सोचों की अमीर गहराइयों में फंसा हुआ था, जो कि मकड़ी के जाले की मानिंद और उलझती जा रही थी। कि अचानक आवाज़ आई, आप अभी तक सोए नहीं? नमाज पढ़ के अभी आया हूँ, अब दोपहर तक सोना ही तो है, बच्चे स्कूल, गर्मियों की छुट्टियां हैं, उठते ही नाश्ता लेने चले जाते हैं,
घर में नाश्ता नहीं बनता? बनाती हूँ, लेकिन छुट्टियाँ हैं, ज़्यादातर बाहर से ले आते हैं। आप नाश्ते में क्या लेंगे? बना देती हूँ। के साथ ही नाश्ते की बात माँ के मुँह से सुन के नहीं नहीं की आवाज़ें आना शुरू हो गई। और ये जा वो मार्केट की जानी चले गए। मैंने एक बार फिर बीवी के सरापे पे नज़र डाली, वहाँ कोई ऐसी लकीर ना उभरी जिस पे शक किया जा सके। क्या बात है, इस बार किसी मुश्किल का सामना तो नहीं है? परदेश से वतन वापसी पर आप खुशखुर्रम आते थे और वापसी पे बहुत उदास जाते थे, लेकिन इस बार मामला कुछ उलट सा दिखाई दे रहा है। सोच रहा हूँ अब वतन में कोई कारोबार कर लूँ। लोग तो यहाँ से बाहर जाने की सोच रहे, लेकिन मैं अपने घर में रह के बाकी मानदा जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। इतने में बच्चे नाश्ता लेके आ गए और हम सब ने बाजारी नाश्ता से अपने दिन का आगाज किया। बच्चों, आज मुझे बैंक से थोड़े पैसे निकलवा लेने दो, कल कहीं सैर के लिए चलेंगे। हमें चिड़ियाघर जाना है और वो भी आपके साथ। ठीक है, ज़रूर चलेंगे, कह के मैं बैंक की जाने चल दिया। वहाँ डॉलर अकाउंट खोलकर कुछ रकम पाकिस्तानी करेंसी रुपए में तब्दील करवा के जेब में डाली और परेशानी से फरागत मिली तो नौआबादी गुलशन रावी लाहौर के खूबसूरत पार्क में कागज़ कलम लेके बैठ गया। मुद्दतों की प्यास बुझाने के लिए एक अफसाना तहरीर करता गया और आखिरी सतूर मुकम्मल करके फिर से पढ़ने के लिए परतोल ही रहा था कि खुली आबादी में आसमान को छूता हुआ सहराई बगोला मेरी तमाम तहरीर करदत और आग अपनी लपेट में लेकर दरियाए रावी के बंद रोड की जानिब चल निकला। मैं अपनी तहरीर को यूँ ज़ाया होते देखकर बड़ी सूरत से भागा। निसफ से ज़्यादा और आग मिल गए, वो भी चंद बच्चों ने मेरी मदद की, लेकिन बाकी मानदा कहाँ गए? मैंने बच्चों को एक एक रुपया दिया और खुद बावसाओ गंदे नाले के जानिब रुख कर लिया, क्योंकि हवा का ये गुबार सराई बगोला बन अपना सफ़र उसी जानिब करके ख़त्म हुआ था। इतनी सख्त गर्मी में अपनी तख्लीक के नौकी तलाश गंदे नाले तक ले गए। वहाँ कुछ बच्चों के हाथों में कागज़ थे जो कि कश्तियाँ बनाने में मसरूफ़ थे। दो बच्चों ने कश्तियाँ उनके नज़दीक पहुँचते पहुँचते गंदे नाले की रवानी में बढ़ा दी। मैंने दोनों कश्तियों को गंदे नाले के स्याह बदबूदार महलूर से उचक लिया। वो मेरी ही तहरीर का हिस्सा था। दूसरे बच्चों को रुपया रुपया देकर मैंने अपनी तहरीर के तमाम औराक का शुमार किया तो लामतना ही खुशी मैसर आई। गंदे नाले से निकाले गए औराक को कुछ देर धूप में रखा तो वो भी अपनी हैसियत बरकरार रखे हुए थे। मेरी भीगी आँखों के साथ मुस्कुराहट भी शामिल थी, जिसे बच्चे ना समझते हुए चले गए और मैं वापस घर की जानिब चल दिया। अपनी इस तख्ली के नौ की अब मुझे हिफाजत करनी थी, रात दिन उसे अपने पास ही रखना था। दोपहर का खाना घर में खाया गया और बच्चों को हंसबे वादा चिड़ियाघर की सैर कराई। वापसी पर अनारकली उतरे तो बीवी की परेशानी और उभर आई। यहाँ क्यों लाए हमें? हम अपने वतन की अशिया इस्तेमाल किया करेंगे, बच्चों और आपके लिए यहाँ से कपड़े खरीदेंगे, गोलगप्पे दही बड़े और फ्रूट चाट खाएंगे। वो तो सब ठीक है, लेकिन कपड़े तो उनके बुक किए हुए सूटकेसों में आ जाएंगे। इस दफ़ा मैंने बाहर से कुछ नहीं खरीदा। और वह जो आपने खाला जी से कहा सब झूठ था, मुँह से निकल गया। खैर छोड़ो इन बातों को, जो कुछ अपने और बच्चों के लिए लेना है, अनारकली से बढ़ के कोई और मार्केट नहीं। हूँ हाँ करते चारों नाचार वहाँ से कपड़े लेकर घर वापसी हुई, लेकिन बेगम का रवैया बरहम था। कुछ मिलने वाले आते जाते रहे और आज का दिन भी शब में ढल गया। सब बच्चे गहरी नींद सो गए तो मैंने बीवी से कहा कि मेरे साथ ऊपर लाइब्रेरी में आओ। वो वहाँ जाने पे बिल्कुल राजी ना हुई तो मुझे फिर ड्राइंग रूम में बैठ के बात करनी पड़ी। बेगम, मुझे कुछ पूछना है। जी पूछें। आपने साल भर लाइब्रेरी को कभी साफ किया है? जी नहीं। वो इसलिए कि वहाँ आपकी शायरी के औराक मौजूद हैं और सब लोग ये कहते हैं कि शायरी करने वाले बुतां, जाम, कासा, शराब, हुस्न, शबाब, कबाब और शराब खाना में साखी का तस्करा करके कुफर का रास्ता मुतय्यन करते हैं, नसर में झूठे अफसाने लिखकर पढ़ने वालों को गुमराह करते हैं। और वहाँ तो मैं जाने से रही, कमरे पे ताला मैं लगा नहीं सकती क्योंकि आपके बच्चे वहाँ जाने की ज़िद करते हैं। वहाँ से मेरी ज़िंदगी भर की तमाम तहारीर सिरे से गायब हैं। उनके बारे में पूछ सकता हूँ कि वो कहाँ गई? जी मुझे उनके बारे में कोई इल्म नहीं। बहुत बेहतर, अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ
कि मैं हमेशा हमेशा के लिए वापस अपने वतन लौट आया हूँ। उम्मीद है मेरी हौसला अफजाई की जाएगी। मेरे ख्याल में कदरे जल्दबाजी कर गए आप। चंद साल और हिम्मत कर लेते तो बच्चे जवान हो जाते। इस बात की फिक्र मत करो, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। अपने वतन में आधी भी मिल जाए तो उस पर कनात करके सब्र शुक्र करेंगे। ये लो 5,000 और बड़े हिसाब से घर का खर्चा चलाना, और जिन जिन रिश्तेदारों को कर्ज दे रखा है वापसी का तकाजा करने में कोई हर्ज नहीं। रात अपने बेडरूम में आंखें बंद किए सोया ज़रूर, लेकिन कई बार नींद उजाट हो गई और हर बार तहरीर को टटोलता रहा। गुलशन रावी की मार्केट का चक्कर लगाते हुए महसूस हुआ कि यहाँ कारोबार खूब चल सकता है, बस मेहनत की ज़रूरत है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए घर के करीब पहुँचा तो देखता हूँ कि एक साइकिल सवार नौजवान रद्दी ख़रीदने वाला हमारी गली में रद्दी वाला जी की आवाज़ लगाते लगाते हमारे घर के बैरूनी दरवाजे पर ठहर गया। मैं दूर ही एक कोने में रुक गया। मेरी बीवी और रद्दी वाले के दरमियान क्या बातचीत हुई इसका इल्म नहीं हो सका, लेकिन इस मामले का हल बहुत मुमकिन है रद्दी वाले के पास हो। जो ही वह गली के कोने से दूसरी गली में जाने के लिए मुड़ने लगा तो मैंने उसे आवाज़ दी, वो रुक गया। मैंने उससे पूछा, मेरी बीवी ने आज आपको कोई रद्दी नहीं दी? अच्छा, तो आप हैं, बाहर से कब आना हुआ? आप मुझे कैसे जानते हैं? हम जैसे गरीब और सादा से लोग आपको नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा। आइए मेरे साथ, मैं झुग्गी नुमा एक छोटे से कमरे में रहता हूँ जहाँ आपकी अमानतें मेरे पास पड़ी हैं। साइकिल के पिछले कैरियर पर रद्दी लद्दी हुई थी और वो मुझे आगे बिठाकर बड़े क्रोफर से ले जा रहा था और साथ साथ खुशी का इजहार भी कर रहा था। घर पहुँचते ही उसने मुझे पानी पेश किया और साथ ही एक कपड़े का बस्ता मेरे हवाले करते हुए कहा कि इसमें आपके 5 अफसाने और बहुत सी शायरी के अनमोल पारे मौजूद हैं। एक बार यतीम खाने से स्टूडियो के चक्कर लगाने वाला मेरे पास आया तो उसने आपके एक तवील अफसाने को 10 रुपये में ख़रीदने की ख्वाहिश जाहिर की। मैंने उसे ये कह के जवाब दे दिया कि ये मेरे पास किसी की अमानत है और अमानत में खयानत कोई अच्छी बात तो नहीं। यूँ उससे जान छुड़ाई, देख लीजिए, ये सब कुछ आपकी बीवी मुझे मुफ्त में सब कुछ दे देती थी और आज भी मैं इसी लिए गया था ताकि आपकी कोई तहरीर पढ़ने को मिल जाए, लेकिन नहीं का जवाब मिला। आप कोई दुकान क्यों नहीं खोल लेते? इरादा तो है, लेकिन पगड़ी बहुत मांग रहा है और मेरे पास कुल रसद 30 रुपये है। इसी से जिंदगी की गाड़ी चला रहा हूँ। कितनी पगड़ी है दुकान की? 2,000 रुपये नकद और नाकाबले वापसी। चलो आओ मेरे साथ अभी और इसी वक्त। जी कहाँ? मैंने वहीं से रिक्शा पकड़ा, बैंक में उसे साथ ले जाके 3,000 रुपये उसके हाथ में थमाते हुए कहा कि 2,000 पगड़ी देकर 1,000 की रसद लगा देना और आज के बाद मेहनत से अपने मकाम बना लेना। इस मेहरबानी का किस तरह शुक्रिया अदा करूँ? मेरे पास अल्फाज कम है। अब आप मेरे साथ चलिए और अपने हाथों से मुझे दुकान पर बिठा दें और मैं आपका दिया हुआ कर्ज इंशाल्लाह वापस कर दूंगा। दुकान की पगड़ी देकर मामूली से किराए पर ली गई दुकान की चाबियां नौजवान रद्दी खरीदने वाले के हवाले करते हुए मुबारकबाद दी और साथ ही अपने नए अफसाने का मुसव्वदा बमा उस बस्ते के जिसमें मेरी तहरीर थी उसे थमाते हुए कहा कि ये सब कुछ अब इसी दुकान में रहेगा, जब मुझे ज़रूरत महसूस होगी ले जाऊँगा। और हाँ, एक बात बताता चलूँ कि तुम्हारे झुग्गी नुमा एक छोटे से कमरे की लाइब्रेरी बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों से उम्दा है, जहाँ आप जैसे मेहनतकश कारी मौजूद हैं और हम जैसे गुमनाम तख्लीक कारों को बड़े प्यार से पढ़ के इज्जत अफजाई करते हैं। आप नाम नेहाद बड़े बड़े लोगों में बेशक गुमनाम से ही मोहतरम, लेकिन सबसे ज़्यादा दुनिया के हम जैसे सादा लोग आपको पढ़ते हैं और आपका नाम गुमनाम नहीं होने देंगे।